सब्सक्राइब कीजिए सारिकास फूड पार्लर चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जाके जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारिकास फूड पार्लर। आज की रेसिपी है चॉकलेट सिरप, आप इसे चॉकलेट सॉस भी बोल सकते हैं। चॉकलेट सिरप मार्केट से खरीदे जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हम इसे घर में बहुत ही कम टाइम में और आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी इस रेसिपी को अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारिका, आप आए हैं सारिकास फूड पार्लर में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। अब डाल देंगे 1 कप फुल फैट मिल्क। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए आप हमेशा फुल फैट मिल्क का ही यूज़ करें, इससे सिरप अच्छा बनता है। अब डाल देंगे 1/3 कप चीनी, आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब डाल देंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब डाल देंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, आप हमेशा कोशिश कीजिए कोई अच्छा ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ करने का, इससे चॉकलेट सिरप का टेस्ट अच्छा आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस टाइम में गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, अगर आप हाई फ्लेम में रखेंगे तो इसमें लम्प आ जाएगा और ये जो मिक्सचर है जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, इससे क्या होगा चॉकलेट सिरप अच्छा नहीं बनेगा। तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में ऐसे पकाते रहे, ऐसे ही मिलाते रहना है जब तक सारी चीज़ अच्छे से मिल ना जाए और सिरप में एक उबाल ना आ जाए। और 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे सिरप धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए सिरप में उबाल आ गया है और इसमें कोई लम्प भी नहीं है। अब देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा रनी है, यानी कि थोड़ा पतला है, तो इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इस टाइम में हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सिरप को कोई और कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चॉकलेट सिरप को आप 2 से 3 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ किया हुआ है तो ये एकदम प्रिजर्वेटिव फ्री है। आप इसे कोई भी डेजर्ट, आइसक्रीम, पैनकेक, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ी या फिर केक डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।